अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आज के ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ अपने दोस्त और भाई अली रज़ा को, जिन्होंने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिनसे हम ये ट्यूटोरियल आज बना पा रहे हैं। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि कैसे हमने इस वेबसाइट के ऊपर पाकिस्तानी एडसेंस सिर्फ लगभग 10 दिनों के अंदर अप्रूव किया। हमने 25 डेट को ये डोमेन बाय की थी, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पच्चीस डेट को बाय की थी वेबसाइट, और आज है 7 डेट, मतलब टोटल दिन हुए हैं, आज 12वां दिन है इसे। और हमने 28 तारीख को इसे होस्ट किया था, और 28 डेट के बाद इस पे अली रज़ा ने काम स्टार्ट किया था। तो मैं इसमें आपको सारी आपकी जो कन्फ्यूजन हैं एडसेंस के हवाले से वो सारी दूर करूंगा, और इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो दूसरे वेबसाइट से कॉपी किए गए थे, यानी कि उनमें कोई हमने अपने पास से कोई आर्टिकल नहीं लिखा एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल 16 आर्टिकल थे जिस वक्त अप्रूव हुआ है, और ये थोड़ी देर पहले एक हमने टेस्टिंग के लिए लिखा है। तो ये भी देख लें, ये 13 घंटे पहले ही अप्रूवल का आया है, ये यानी कि रात को हमने किया था। रात को किया था और सुबह तक अप्रूव हो गया, यानी कि एक दिन लगा इसे अप्रूव होने में। अच्छा, तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आपको समझाना है कि किस तरह हमने लगभग इन 8-9 दिनों के अंदर अंदर ये सारा कुछ क्या किया, जिस वजह से ये हमारा एड्स अप्रूव हो गया। अच्छा, तो जैसे कि आप जानते हैं गूगल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, और अब बिला वजह किसी बंदे को अप्रूवल नहीं मिलता। कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, कोशिश करनी है कि आप अप्रूव करवाने से पहले जो आर्टिकल इस्तेमाल करें वो यूनिक हों। तो स्पिनर्स के ज़रिए हम आर्टिकल्स को यूनिक बना लेते हैं, और कोशिश करनी है कि जो इमेजेस हों वो भी यूनिक हों। अगर मतलब आप गूगल से कोई लेके तो उसको थोड़ा बहुत एडिट कर लें ताकि वो लगे कि वो यूनिक है। तो चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो सबसे पहले हम एड न्यू पे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह की पोस्ट की थी हमने। ये आप वेबसाइट का सारा स्ट्रक्चर चेक कर लें, ये एक बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड वेबसाइट बनाई गई थी। तो इधर गूगल पे लिखें बॉडी बिल्डिंग, लिख दें। ये आर्टिकल मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल को हम अपनी जबान में रीराइट कर लिखेंगे। इसको रीराइट करके अपने वर्ड्स में लिखेंगे। अच्छा, अब इतना कॉपी कर लेते हैं। इसे सबसे पहले हम जाएंगे स्पिन बोर्ड के अंदर, इसे एड ब्लॉक ऑफ कर लें। अच्छा जी, ये मैक्स अलाउ करता है 10K वर्ड्स, तो हम 10K वर्ड्स लिखेंगे।
बाकी सारा इधर रख लेते हैं। अच्छा करते हैं गो। अच्छा जी, ये आर्टिकल हो गया। अब इसे हम डालेंगे स्टॉल के अंदर। स्टॉल का काम ये होता है कि ये जो फ्रेजेस वगैरह हैं उन्हें चेंज कर देगा। सॉरी, गलत टूल इसमें करना था पहले, ये तो चेकिंग के लिए। इससे ये थोड़े इश्यूज फिक्स कर लें। अच्छा इससे करते हैं रीराइट। फ्रेज करेगा और उसके बाद ये प्लेगरिज्म चेक कर में डाला। तब तक हम ये जो बकाया है इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा तो इसने फ्रेज वगैरह चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इसका चेक करेंगे प्लेगरिज्म। ये थोड़ी ग्रामर ले सके, ग्रामर की गलतियां फिक्स कर लें। अच्छा ये जैसे देख सकते हैं ये 100% यूनिक हो गया, मतलब ये कंटेंट बिल्कुल परफेक्ट है।
वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए। तो इसे कॉपी किया और अपनी पोस्ट में ऐड कर दिया। इसे स्पिन करते हैं। अब इसे करते हैं अब हम इसे करेंगे कॉपी। इसे भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद हम नीचे ऐड कर देंगे। ये इश्यू सोर्स को फिक्स कर लें। ग्रामरली के जरिए फ्री एक्सटेंशन
कंटेंट हो गया, अब इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। हो सके तो इसकी थोड़ी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी कर लीजिएगा और इसे गूगल सर्च कंसोल में भी अप्रूव करवा लीजिएगा ताकि जल्दी इंडेक्स हो जाए, साइट में भी सबमिट कर दीजिएगा योस्ट का। अच्छा जी, फिटनेस टिप्स में अब हम बनाएंगे फोटो एक। फोटो ली, फोटो खोल लिया। इसके नीचे एड अ न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। इससे इमेज थोड़ी गूगल को यूनिक लगेगी। से अब हम कर लेते हैं डाउनलोड। अब हम करते हैं इसे अपलोड। चलिए अब इसे आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दें, उससे ये फ़ायदा होगा कि जल्दी इंडेक्स हो जाएंगी और कोई अगर और भी फ़ायदे हो सकते हैं। फेसबुक पे शेयर कर दें, ट्विटर पे शेयर कर दें, अगर लिंक्डइन है तो वहाँ पे भी शेयर कर दें। अच्छा अब हम इसे मज़ीद चेक कर लेते हैं कॉपी कंटेंट के लिए। तो ये देखें कुछ रिजल्ट से निकल आए हैं। कोशिश करेंगे कि अब इनको खत्म करते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेंगे। ये लाइन के मसला था, बाकी सारा तो ठीक है। अब सिंपली शेयर करना है इसे सोशल नेटवर्क्स पे, वो उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो इसी तरह आपने कम से कम 15-16 आर्टिकल पोस्ट करने हैं 5-10 दिनों में, और उन सबको शेयर करना है और गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करवाना है डोमेन को, और साइट में आप वगैरह इंडेक्स करना है, और कोशिश करनी है कि ये सारे आर्टिकल इंडेक्स हों। आप उधर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इंडेक्सेशन की। ये देखें ये सारे आर्टिकल अब इंडेक्स हुए हैं गूगल में, तो ये सारे इंडेक्स भी हों तो उसके बाद आपने एग्जैक्ट कोई 10-12 दिन के अंदर अंदर ये करके, 15-16 कम से कम 10 एक दिन तक मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप रुक जाएं। 10 दिन में ये सारे इंडेक्स करवा के सोशल मीडिया पे शेयर वगैरह करके तो फिर आप अप्लाई कर दें, तो इंशाल्लाह ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी बहुत पसंद आई होगी। अगर
हाँ, और एक और चीज़, अगर आप इसी तरह ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हलीम इकबाल SEO। और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, या और दूसरे ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल देखने का शुक्रिया, और मेरे दूसरे ट्यूटोरियल भी ज़रूर चेक कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।